जो भी ये घटना हुई, जो पत्रकारों के साथ, मीडिया पीपल के साथ जो घटना हुई, उसके लिए पूरा वकील समुदाय, पूरे देश का वकील समुदाय इसके लिए शर्मिंदा है। और मैं पूरे देश के लीगल फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे मीडिया पीपल से, पत्रकारों से इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये मैं खेद प्रकट करता हूँ। ये बात कभी भी बर्दाश्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है कि वकीलों के द्वारा इस ढंग की शर्मनाक घटना की जाए, इस ऐसे काम किए जाएं। तो इसके लिए बार काउंसिल ने जो 15 तारीख को घटना हुई उसके लिए बार काउंसिल ने पहले ही एक फॉर्मर हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दी थी, उसका जाँच उनको करना है। कमेटी में 3 सदस्य हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक बार काउंसिल का मेंबर है और चेयरमैन है उसके फॉर्मर हाईकोर्ट जज। कल फिर जब दोबारा घटना हुई तो हमने एक रिक्वेस्ट किया है कमेटी को टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स, 3 हफ्ते के अंदर इनका रिपोर्ट आएगा, और उसके बाद जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अगर आवश्यकता पड़ी, जैसा कि हमने वीडियो क्लिपिंग्स में देखा है, तो कुछ वकीलों का लाइसेंस भी हम आजीवन के लिए रद्द कर देंगे। किस तारीख को हमने अपने बार काउंसिल की इमरजेंट मीटिंग इसके लिए बुलाई है, अगर वो वीडियो क्लिपिंग से कुछ साफ है तो हम कमेटी से कहेंगे कि उस वीडियो क्लिपिंग्स को देख के कुछ लोगों का जो भी रोल है उसको क्लियर कर दे, वो नाम हमारे सामने आ जाए, पर्टिकुलर रोल प्लेड बाई सम लॉयर्स। तो उसके हो सकता है कि प्रोसीडिंग चलती रहेगी जैसा कि हमने मद्रास में किया है, कुछ लोगों का लाइसेंस हम पहले ही सस्पेंड कर देंगे। ये 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इस घटना को बार काउंसिल ने बड़ी ही गंभीरता से लिया है, वी हैव टेकन इट वेरी सीरियसली एंड वी आर गोइंग टू टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट सच एरेंट लॉयर्स।